गाइज, एक ऐसा एमुलेटर जो कि सेफ हो, तेज हो और आसानी से आप सबके कंप्यूटर या लैपटॉप में चले। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सबके लिए लेके आ चुका हूँ कुछ ऐसे एमुलेटर्स जो कि टोटली सेफ है और बेस्ट होने वाले हैं। और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि यार एक ऐसी वीडियो बनाओ जिसमें बेस्ट एमुलेटर हो, टॉप 3 एमुलेटर या इसी के लिए सबसे बेस्ट एमुलेटर कौन सा है। तो ये वीडियो उन सब के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। और हाँ गाइस, एमुलेटर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे एमुलेटर्स हैं, बट मैं आपके लिए कुछ ऐसे एनालाइज और फाइंड करके लाया हूँ जो कि मैंने खुद भी पर्सनली उन एमुलेटर्स को रन किया अपने पीसी में। सो दैट आई मीन करते हैं, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं टेक एंड टॉक चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, नीचे कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे उसको दबा के ग्रे कर देना, मैं ऐसे यूजफुल वीडियो लाते रहता हूं। और इसी पावर और एनर्जी के साथ वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, फर्स्टली मैं यहां पे बताना चाहूंगा जितने भी एमुलेटर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये काफी ज्यादा बेहतरीन होने वाले हैं एंड मैंने खुद भी इन सारे एमुलेटर्स को चलाया है। तो दोस्तों, पहले नंबर का जो एमुलेटर है उसका नाम है ब्लू स्टार। अभी ना कभी आपने सुना होगा, ये बेसिकली एक कैलिफोर्निया की कंपनी है, उनने ये ब्लू स्टार सॉफ्टवेयर या एमुलेटर को बनाया है। बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर है ये नॉन चाइनीज है, अभी इसको रन किया था अपने पीसी में। फर्स्टली अगर इंटरफेस की बात करूं तो इसका जो इंटरफेस है वो सिंपल है, बट सिंपल ही चीजें कूल लगती है और मतलब सारी जो मैनेजमेंट है कोई भी चीजें मैसअप नहीं की, इंटरफेस वाइज अच्छा मेरे को लगा। और ब्लू स्टार एमुलेटर में आप सबको ऑलमोस्ट सारे गेम्स अवेलेबल मिलेंगे जो कि प्ले स्टोर पे आप सब फाइंड करेंगे तो सारे मिल जाएंगे। और हाँ, जितनी भी एमुलेटर्स की जितनी भी खासियत होती है लाइक की मैपिंग, रोटेटिंग और जितने भी हाईली एडवांस्ड फीचर, वो सब आप सबको इस एमुलेटर में देखने को मिलेंगे। स्पेशली की मैपिंग आप सबको करने की कोई जरूरत नहीं, अगर आप सब फायर या कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी गेम्स को खेलेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सेटअप हो रखा होता है। ये तो बात हो गई सारी फीचर्स की, अब मैं अपना गेमिंग एक्सपीरियंस बताऊं। मैंने यहाँ पे बहुत सारी गेम्स ट्राई की, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। अगर मैं बोलूँ यार, ब्लू स्टार जो एमुलेटर है वो अच्छा था, बट क्योंकि ब्लू स्टार एक हैवी सॉफ्टवेयर है और उसको रन करने के लिए आप सबके पास एक बढ़िया पीसी प्लस नेट कनेक्शन भी अच्छा होना चाहिए, तो कभी कभी समटाइम्स मैं जब गेम्स को प्ले कर रहा था तो थोड़ा बहुत लैग हो जा रहा था। अब मैंने ये एक्सपीरियंस फेस किया तभी मैं आप सबको बता रहा था। और छोटी छोटी गेम्स में उतना पता नहीं चलता है, बट बड़े गेम्स में स्विच होंगे तो हल्का फुल्का लैग देखने को मिलता है, तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, वो कभी कभी आता है। और हाँ, जितने भी फ्री फायर लवर हैं उनके लिए मैं बता दूं, ब्लू स्टार में आप सब आराम से फ्री फायर को खेल सकते हैं, वो भी काफी अच्छी तरीके से। एक्सपीरियंस मैंने भी खेला था, काफी अच्छा और जबरदस्त लगा। सो डेफिनेटली आप इस एमुलेटर को कंसीडर कर सकते हैं अगर आपके पास एक हैवी पीसी है। मैं लो एंड के लिए नहीं बोलूंगा, लो एंड पीसी में आई थिंक ये एमुलेटर बेस्ट नहीं होगा। आगे के एमुलेटर मैं बताऊंगा, वो आप सब सेलेक्ट करना। तो दोस्तों, मूव करते हैं अपने सेकेंड एमुलेटर की तरफ जो कि है MSI ऐप प्लेयर। अब ये काफी मेरे को तगड़ा लगा और मैंने पर्सनली इस एमुलेटर को रन किया। पहली चीज बता दूं, इसका जो हेडक्वार्टर पड़ता है वो ताइवान में है, डेटा जो है वो आप सबका सेफ एंड सिक्योर रहेगा इसमें। हाँ, इंटरफेस की बात करूं तो यार मेरे को पर्सनली खुद इसका जो इंटरफेस लगा वो काफी ज्यादा तगड़ा लगा। इसमें ना कुछ कुछ चीजें हैं जो स्पेशली गेमर्स को ध्यान रखते हुए सारी चीजों को कस्टमाइज किया हुआ है इसके इंटरफेस में। सारी चीजें नीट एंड क्लीन है। मैं एक चीज बोलूंगा, इंटरफेस वाइज ना ये काफी हद तक बेटर है ब्लू स्टार से भी। और यस, आप सबको सारी ऑलमोस्ट गेम्स यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी। और स्पेशल चीज क्या है इसमें ना, आप सबको ना एक अलग से गेम सेंटर करके मिलता है, इसमें आप सब फाइंड करेंगे ना मस्त मस्त गेम आप सबको, मतलब गेमिंग वाइज ना काफी अच्छा इसको इम्प्रूव किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कैसा मेरा गेमिंग एक्सपीरियंस रहा। तो बेसिकली बता दूं, मैंने इसमें बहुत सारी गेम्स ट्राई की थी इस एमुलेटर पे भी, पता नहीं यार मेरे को ऐसा लगा ये एमुलेटर ना काफी ज्यादा स्मूथ है। मतलब जो एक यूजर एक्सपीरियंस होता है, सारी चीजें होती है, उसमें ये एमुलेटर बहुत आगे था और ये मेरे को चीज सबसे बढ़िया लगी। हाँ, मैंने इसमें सारी गेम्स ट्राई की, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, काफी हद तक स्मूथ चल रही थी। मतलब अगर मैं बात करूँ यार फ्री फायर लवर्स की, तो यस फ्री फायर इसमें बहुत स्मूथ चल रही थी। मतलब आप सब कंसीडर कर सकते हैं, अगर आपका पीसी मीडियम या लो एंड पीसी है फिर भी आप सब गेम्स जो है वो काफी अच्छी चलेगी। खुद भी इस सिमुलेटर में गरीना फ्री फायर खेला था, मेरे को मजा आया था और मतलब फ्री फायर के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। जितने भी सिमुलेटर मैंने यहाँ पे यूज किए मेरे को सबसे बेस्ट यही MSI का लगा। सो दोस्तों, यहाँ पे अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट सिमुलेटर की जो कि है नॉक्स प्लेयर। पहली बात बता दूं, ये एक चाइनीज सिमुलेटर है
है। तो अगर आप सबको कोई प्रॉब्लम नहीं है चाइनीज ऐप या सॉफ्टवेयर से तो आप सब इस इम्यूलेटर को कंसिडर कर सकते हैं। स्पेशली मैं ये क्यों लाया हूँ, अब देखो बेसिकली बहुत लोगों के पास हाई एंड पीसी नहीं होता है, तो नॉक्स प्लेयर क्या करता है, कुछ इसकी जो ग्राफिक प्रोसेसिंग है उसको लो कर देता है, और अगर आप सबका पीसी लो एंड पीसी है तो इसमें आप सबको बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। और हाँ, इंटरफेस की बात करो तो वही सिंपल है यार, सारे इंटरफेस ऑलमोस्ट जितने भी इम्यूलेटर्स होते हैं सारे सबके कॉपीज होते हैं, तो इंटरफेस वाइज तो सारी चीजें सेम है, अच्छा लगा मेरे को। बट हाँ, कभी कभी समटाइम्स ये नॉक्स प्लेयर क्रैश हो जाता है। मैं कभी कभी बड़ी गेम्स को रन कर रहा था तो कभी कभी मुझे लगा, मैं आपको बता दूं यार, क्रैश हो रहा था, क्योंकि ये चाइनीज इम्यूलेटर है तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है। बात करूं गेम्स की तो यहाँ पे आप सबको ऑलमोस्ट सारी गेम्स देखने को मिलती है, एंड प्लस यहाँ पे मेरा जो गेमिंग एक्सपीरियंस रहा वो भी काफ़ी अच्छा लगा। मैंने गेम्स ट्राई की, प्लस गरीना भी ट्राई किया, अच्छा चल रहा था इसमें गरीना फ्री फायर। और डेफिनेटली बोलूँगा अगर आप सबका लो एंड पीसी है तो इस इम्यूलेटर को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर प्रॉब्लम नहीं है, एक चाइनीज है, मैं पहले ही बता दिया हूँ शुरुआत में, एक चाइनीज इम्यूलेटर है तो कंसीडर कर सकते हो। इम्यूलेटर्स तो बहुत सारे हैं, बट मैं आप सबके लिए एनालाइज और बेस्ट जो थे, सबसे बेस्ट वो यही तीन है। और अगर मेरे को इनमें से भी सेलेक्ट करना हो तो मैं आप सबको बोलूँगा एक बार MSI का ऐप प्लेयर इम्यूलेटर ट्राई करना, मेरे को पर्सनली काफ़ी तगड़ा लगा। और यही थी मेरी आज की वीडियो, होपफुली यार आप सबके रिकमेंडेशन पे मैंने ये वीडियो लाई, और डेफिनेटली आप सभी को अच्छा लगा होगा। वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है, और हम मिलते हैं आप सबको अगले वीडियो में। इसके लिए बाय बाय, और लाइक सब्सक्राइब जो भी करना है सब कुछ कर देना। बाय।